यहाँ क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती हैं हमें पूछो क्या होता खूबसूरत सी सुबह में बहुत खूबसूरत सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैंने जो है बनाया अपने लिए कुछ मीठा, जिसकी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मेरी कमजोरी कह सकते हैं। और कभी कभी मैं चीटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब मन करता है तो मन करता ही है, मतलब मुझे खाना होता ही है। तो मैंने फटाफट से 5-10 मिनट के अंदर अंदर अपने लिए मथुरा के पेड़े बनाए हैं। मैं आपको इसकी सिंपल सी रेसिपी दूंगी, आप प्लीज़ ट्राई करें, बनाएं, खाएं, और प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे और कैसे बने। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है 2-3 ब्रेड ली थी, और मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी, मेरे पास वाइट वाली ब्रेड नहीं थी। वाइट वाली आप यहाँ पर ब्रेड लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसको जो है मिक्सी में ऐसे क्रश कर देना। थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने डाला है घी, घी में डाल दिया है मैंने ये क्रश की हुई ब्रेड, और इनको अच्छे से इसमें जो है चलाना है। वाइट होती तो इसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मथुरा के पेड़े जैसा बोल सकते हैं, वैसा आएगा। और इसके अंदर डाली मैंने इलायची, इलायची का पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि मथुरा के पेड़े अगर आपने खाए हैं तो उसमें जो है इलायची दाना में ही पड़ी रहती है, दाना दाना ही होता है मतलब, तो मैंने वो डाल दिया। और उसके बाद जो है जब ये अच्छे से घी में मैं इसको पका के उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चीनी। चीनी नहीं, इसमें बूरा डलता है एक्चुअली। अगर वाइट ब्रेड है तो आप यहाँ पर बूरा ही लें, मतलब चीनी को घर में पीस लें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी को पीसेंगे तो वो बूरा बन जाएगा, फिर उसके बाद आप इसमें बूरा ऐड कर लीजिए। मेरे पास जो थी जैगरी पाउडर था, मैंने वही डाला ब्राउन शुगर, क्योंकि थोड़ा सा जो है चीनी से परहेज करती हूँ मैं, तो इसीलिए, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा हेल्दी तो होगा ही होगा। तो इसके बाद आप इसमें 1 कप या 1/2 कप मलाई डाल दीजिए। जब अच्छे से आपका ये भुन जाए ब्रेड, उसमें आप मलाई डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मलाई डाली और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाला, और तब तक अच्छी तरह धीमी आँच पर, बिल्कुल धीमी धीमी आप को आज भी ये चलाना है, और इस तरीके से ये आटे की तरह बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको गैस जो है बंद कर देनी है, और इसको इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। और इसको फिर आप किसी पैन में निकाल के हल्का ठंडा कर लीजिएगा, तो ये बहुत टेस्टी बनने वाला है, और बहुत ही टेस्टी आपको जो है मथुरा के, अगर आपने पेड़े खाए हैं उसी की याद दिलाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ का जो है यूज़ करना है, जो मैंने नहीं किया इसमें। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड लें, 2-3 वाइट ब्रेड ले लें, उसको थोड़ा क्रश कर लें मिक्सी में, और उसके बाद आपको जो है इसमें चीनी ऐड डालनी है, मतलब चीनी का पाउडर बना के डालना है। बस 2 ये चेंज कर लेना, क्योंकि मैंने ये अपने हिसाब से बनाई है, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होगी जितना आप वाइट ब्रेड और चीनी डालेंगे उतना। बिल्कुल मथुरा के जो पेड़े हैं उनकी आपको याद दिला देंगे ये। उसके बाद थोड़ा सा हाथों से आटे की तरह गूंदना है, जब हल्का सा ठंडा हो जाए, और फिर उसको इस तरीके से गोले बना लेने हैं आपको, जैसे पेड़े होते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं, लंबा या जैसे भी आपको अच्छा लगे ऐसे बना लें। इस तरीके से आपको गोले बनाने के बाद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा देना, पिस्ता जो है पिस्ता लगाएं तो अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। और अगर थोड़े बहुत जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इस तरीके से आप सजा सकते हैं, यकीन मानिए ये इतने टेस्टी लगेंगे, मतलब कोई कहेगा ही नहीं कि इसके अंदर मावा नहीं है, या कोई भी इतनी सारी चीज़ ताम झाम किया हुआ, बिना आप इतना टेस्टी स्वीट जो है घर पे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड सभी के घर में होती है, चीनी सभी के घर में होती है, सिर्फ 2 चीज़ से बने हुए ये पेड़े वाकई में आपको जो है मथुरा के पेड़े की याद दिला देंगे। बस आपको इसमें क्या करना है, वाइट ब्रेड लेनी है और वाइट चीनी लेनी है, चीनी पाउडर सॉरी, और बाकी जिस तरीके से मैंने बनाया इसी तरीके से आप बनाएं, सबको खिलाएं, सब बहुत तारीफ़ करेंगे सच में।
और ये मैंने ब्राउन ब्रेड का बनाया, इसलिए थोड़ा सा इनका कलर जो है डार्क हो गया है। आप जब वाइट ब्रेड यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा ब्राउन होने तक आपको अच्छे से कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पे अच्छी तरीके से चला लेना है, ब्राउन होने तक बस। ये ब्लैक लग रहा है क्योंकि ये मुझे ना काला, आपको भी ऐसे लग रहा होगा ना काला रसगुल्ला नहीं होता उस तरीके से, क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड थी और अच्छी तरीके से भूनने के बाद घी में ये थोड़ी सी और ज़्यादा ब्लैक हो गई है। तो मैंने आज बहुत ही प्यारी आपको ये जो है डिश बताई है, रेसिपी बताई है स्वीट की। आप इसको जल्दी से झटपट से बनाइए, 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि बहुत मन करता है मीठा मीठा खाने का। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे कर रहा है मेरा बेटा जो है पूरी मस्ती, पूरा उछल कूद, पूरा बेड ऐसे ही कर देता है। ये जिस कमरे में भी जाता है बस ऐसे ही, तो कुछ नहीं कह सकते, बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं ले जा सकते बच्चों को खेलने के लिए, तो उनको पूरी छूट दी हुई है कि वो घर में जो है तोड़ फोड़ करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक एंजॉय करें मेरे इस व्लॉग को। शाम का जो है डिनर में बनने जा रहा है ये, इसकी रेसिपी कल की वीडियो में मिलेगी आपको, और इसके अंदर होते हैं सारे विटामिन्स। तो ये सब्जी जो है सबसे बेस्ट है, इस टाइम पे आपको ज़रूर खाना चाहिए और शाम को ही इसको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि शाम जब हम शाम को बनाते हैं, मतलब नाइट में डिनर में जब हम इसको बनाते हैं, तो ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी अच्छे से हो जाती है। तो इसको ज़रूर बनाएं और इसके अंदर सब सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बहुत वीकनेस आ रही है लोगों को घर में, मतलब कोरोना की वजह से या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कमज़ोरी आ रही है, तो ये एक टाइम सब्जी आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसके अंदर मिलता है आपको सभी कुछ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।